अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक अली। मुंबई महाराष्ट्र जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के करीब में एक वाकया पेश आया, जिसमें के एक शख्स को मौलाना एजाज कश्मीरी नामी शख्स ने बड़ी ही बेदर्दी से मारने लगाया लुखुंडों को भेजकर। उसके पाले में के गुंडे हैं ये, और जो है तमाम जितने भी लोग वहाँ पर गवाह है उन सबका भी यही कहना है कि इसके एक इशारे पर जो शख्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसे बड़ी ही बेदर्दी से लटों से, हॉकियों से और राडों से मारा गया, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। और मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को चाहिए कि फौरी ये मौलाना को हिरासत में ले और इनके साथ जो भी है इन सबको अरेस्ट करे, इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आइए सुनते हैं आगे इस ज़ख्मी की ज़ुबानी। और फिर उसके बाद में हमला कर दिए मेरे ऊपर, और सब में पूरा हाथ सब कश्मीरी मौलाना का है। उन्होंने ये देखो ये हाथ तोड़वा दिए, ये देखो ये सब इधर का हाथ तोड़वा दिए, ये पूरा पैर फ्रैक्चर करवा दिए, ये पूरा सर पे मारे, ये देखो ये पूरा एकदम ये पैर पे, ये पूरा पीठ पे, ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना मैं चल पा रहा हूँ, और पूरा सर पे भी मेरे लगा चारों बाजू। मैं इसी परेशानी में हूँ कि मैं क्या करूँ। मारते मारते मेरे को वो लोग तो जान से ही मार दिए, मगर बस अल्लाह ने मेरे को बचा लिया। मैं कैसे बच गया तो बस अल्लाह ने बचाया। मेरे को मार के फेंक दिए वो लोगों ने। मैं अपनी जान भी बचाने के लिए भागा कुछ दूर तक का, मगर फिर भी मेरा पीछा किए और मुझे मारे और फिर मार के फेंक दिए। इस तरीके से मेरे ऊपर जुल्म हुआ। मैं आप लोगों को फ़ोटो भी वो दिखाऊंगा वो कौन लोग थे। जैसे कि ये फ़ोटो में देखो, ये मेन है, ये पूरा गिरे चलाता है, इनके बॉस मौलाना कश्मीर, ये सब सारे लड़के, ये सब को पाल के रखे हैं मौलाना कश्मीरी। इन लोगों से हमको मरवाया, मार के फेंकवा दिए। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को अरेस्ट करे जल्द से जल्द। और मुझे क्या है, जान का खतरा है इन लोगों से, और हमारे पूरे फैमिली को भी खतरा है, हमारे भाई बहनोई सबको खतरा है। और ये लोग तो बोलते हैं, और ये लोग तो बोलते हैं सीधा कि अब की तो गोली मारूंगा, सीधा ये लोग बोलते हैं कि मार देंगे। और कम से कम इस लड़के के ऊपर 10 केस है, और किसी को मतलब कोई वही नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रशासन मदद करे, मुझसे यही उम्मीद चाहता हूँ, और प्रशासन मदद ज़रूर करेगी, इतना मेरे को भरोसा है।